करे चलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की हमारी वीडियो में। और आज बकलूल व्लॉग्स में हम आपको दिखाएंगे भोला मूवी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भोला मूवी हम लोग देखने गए थे, आज ही के आज लॉन्च हुई है। मतलब ये वीडियो की शूट जो है 30 तारीख की, हम आपको बता दे रहे हैं, और 30 तारीख को ये मूवी लॉन्च हुई थी भोला। अब चलते हैं अपनी गाड़ी पे, लेके चलते हैं आपको सिनेमा घर। अच्छा वीडियो बन रही क्या गाइस? यस गाइस, बस गाइस, हल्का हल्का गाड़ी मीटर वगैरह थोड़ा मतलब ऐसे मिले थे। और ये अपना धन्नो पर उड़ते हुए हम लोग आ गए अपने डीडी प्लेक्स में, प्रतापगढ़ का एकमात्र जो है सिनेमा घर। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। जहाँ पे पिक्चर लगती है मतलब थोड़ा देखने लायक माहौल रहता है गुरु। ये है अपने भोला का पोस्टर और ये हम लोगों ने ले लिया टिकट। टिकट लेने के बाद सबके पेट में हुका हुआ सियार हुकारने लगता है, इसीलिए सब लोग चलते हैं नाश्ता करने। हाँ भाई क्यों बे चेंज कैसे हो जाता है रे एक्सप्रेशन। ए बेटी चाचा मुंह दिखाओ। ये जैसे खूंटी गजब बेइज्जती है। वाह तू खा लेकिन देख ले। पेमेंट यही कर रहा था बोल के उसका जरूर लो। क्या बात है क्या बात है। पेमेंट छोटू ही कर रहा तो उसकी फोटो जरूर आनी चाहिए। गटई तक नाश्ता करने के बाद हम लोग भागते हैं क्योंकि शो जो है शुरू होने वाला था कुछ 5-10 मिनट में। सब लोग यहाँ से पदनवा भूत भागते हैं और पहुँचते हैं डीडी सिनेमा में, ये दूसरे वाले फ्लोर पे जहाँ से अपन एंट्री लेंगे, समझ रहे हैं। अब एंट्री लेते हैं फिर दिखाते हैं आपको। ऊपर से खामोश अंदर से तूफान है, जब ये भस्म लगाता है पता नहीं कितनों को भस्म कर देता है। छोटू भाई तो कैसी रही मूवी ये बता। आयस भाई तुम्हारे हिसाब से कैसी थी मूवी? बढ़िया भाई। महाराज अपन अपन रिव्यू दें। तीन स्टार। अच्छा स्टोरी और अच्छी कर सकते थे। तो ये रहा मूवी का रिव्यू दोस्तों। आपको कैसी लगी ये मूवी आप जब देखिएगा तो मुझे कमेंट सेक्शन बताइएगा। मेरे अनुसार भी ये एवरेज थी, मतलब इसकी स्टोरी अच्छी हो सकती थी, बाकी एक्शन बहुत तगड़ा था। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम जय महाकाल।